गुजरात विधानसभा चुनाव के जरिए भाजपा का कर्नाटक को भी संदेश, पुराने चेहरों को नए के लिए बनानी होगी जगह। गुजरात में लगभग एक चौथाई विधायकों का टिकट काट कर सत्ता विरोधी लहर को रोकने में जुटी भाजपा में स्वाभाविक रूप से कुछ बगावत तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसे सीमित रखने के लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसका जिम्मा वहां के प्रभावी नेताओं को ही दिया गया है, जो सामूहिक रूप से उन्हें एक पर लाएंगे। एक तरफ जहां जनता को यह संदेश होगा कि भाजपा एकजुट है, वहीं बगावत की मंशा पाल रहे नेताओं को भी संदेश होगा कि उनका हित भाजपा में ही है। कुछ इसी स्तर पर अगले चार महीने में चुनाव में जाने वाले कर्नाटक को भी संदेश दिया जाने लगा है कि नए चेहरों के लिए पुराने लोगों को सीट खाली करनी पड़ सकती है। एक साल पहले ही गुजरात में पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर और कई दिग्गजों को मंत्रिमंडल से बाहर कर पार्टी ने पहले ही संदेश दे दिया था कि विधानसभा चुनाव तक पार्टी बड़े बदलाव के मूड में है। सूत्रों के अनुसार जितने लोगों के टिकट काटे गए हैं, उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहले ही समझा दिया गया था कि वर्तमान परिदृश्य में उनके लिए जीत पाना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि उनका हित भाजपा में ही है। यही कारण है कि बगावत बहुत सीमित रही। बताते हैं कि वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगातार ऐसे नेताओं से बात की जा रही है, उन्हें चुनाव अभियान में शामिल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी से कर्नाटक को संदेश देने की कोशिश शुरू हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाने वाले कर्नाटक के राज्यसभा सदस्य लहर सिंह ने गुजरात का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक में भी पुराने चेहरों को पीछे हटना चाहिए और नए लोगों को अवसर देना चाहिए। वस्तुतः सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए भाजपा इसका बहुत सटीक प्रयोग करती रही है। पिछली बार दिल्ली के MCD चुनाव में और लोकसभा के वक्त छत्तीसगढ़ में तो भाजपा ने 100% सीटों पर चेहरा बदल दिया था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABG News 24x7।